दोस्तों आज की कहानी है ननद जी, आप अपनी सासू माँ को अपने से अलग मत करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नई वीडियो। अरे कनक बेटा, तू अचानक से यहाँ कैसे? नंदा जी ने अपनी बेटी कनक को अपने 2 साल के नाती के साथ अचानक आया देखा तो पूछ बैठी, बस माँ ऐसे ही मन किया तो आ गई। और फिर सिक्कू भी बोल रहा था नानी के पास जाना है, लेकिन परसों ही तो बात हुई थी। तू तो बता रही थी कि तेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है फिर आज। अरे माँ, क्या आप भी आते ही सवाल पूछने लगी? इतनी गर्मी है, कम से कम पानी तो पिला दो। हाँ, सीमा बहू, जरा ठंडा पानी ले आ। देख कनक दीदी आई है। सीमा फटाफट पानी लेकर हाजिर हो गई। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठिए, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। बोलकर सीमा रसोई की ओर चल दी। नंदा जी अभी भी सवालिया निगाहों से कनक को देख रही थी, क्योंकि उन्हें अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। माँ ऐसे क्या देख रही हैं आप? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो खुश हूँ तुझे यह देख कर, लेकिन तेरी सास, उसकी देखभाल कौन करेगा? माँ ये तो उनका रोज का काम बन गया है। उनके चलते क्या मैं कहीं आऊं जाऊं नहीं? पहले मैं भी बहुत सोचती थी, लेकिन इस बार जब मेरी जेठानी यहाँ आई थी तब उन्होंने मुझे बताया सासू माँ के बहानों के बारे में। जब भी मेरी जेठानी को कहीं जाना होता था तो सासू माँ बीमार हो जाती थी, लेकिन फिर उन्होंने सासू माँ की परवाह करना बंद कर दिया। उनसे तंग होकर ही मेरी जेठानी ने अपनी अलग गृहस्थी बसाई थी। अब जेठानी चली गई तो मेरी सास मेरे साथ भी वही कर रही है। कनक आज बड़ी लापरवाही से बोल रही थी, लेकिन बेटी की बात, आज एक माँ को रास नहीं आ रही थी। आखिर वो भी अब जीवन के उसी पड़ाव पर थी जहाँ कनक की सास हमेशा समझदारी और जिम्मेदारी से बात करने वाले कनक पर ना जाने उसकी जेठानी की बेतुकी सीख कैसे असर कर रही थी। नंदा जी बोली, बेटा एक बात बता, जब सिक हुआ था तो 2 महीने तक तेरी देखभाल किसने की थी? हाँ माँ, उस समय तो सासू माँ ने ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी।
हाँ बेटा, तेरी सास ही थी जिसने तेरा ख्याल रखा था और जिस जेठानी की तू बात कर रही है ना, वो तो तेरी डिलीवरी नजदीक आते ही अपनी मायके चली गई थी। उस वक्त मैंने भी तेरी सास से कहा था कि कुछ दिन कनक को यहाँ भेज दीजिए, लेकिन तेरी सास ने कहा कि बहू तो जीवन भर हमारा ध्यान रखती है, लेकिन यही एक वक्त होता है जब बहू को देखभाल की जरूरत होती है। इस समय मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ लूं, पैरों में दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ की बात सुनकर कनक की गर्दन झुक गई। नंदा जी फिर बोली, बेटा मैं भी अब उम्र के उसी पड़ाव पर हूँ जहाँ समदन जी हैं। कल को यदि तेरी भाभी भी मेरे साथ यही व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? हमने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू किसी की बातों में आकर सही गलत में अंतर ना कर पाए, अपने दिमाग और मन पर गलत फहमी की जंग मत लगने दे और खुद सोच कि कौन सही है और कौन गलत। सॉरी माँ, मैं भूल गई थी कि मेरी माँ भी एक सास है, मैं ही अपनी जेठानी के बहकावे में आ गई थी। आप ठीक कहती हैं, जो खुद अपने रिश्तों से दूर भागता है वो दूसरों से रिश्ते कैसे निभा सकता है। मैं कल ही वापस चली जाऊंगी, मेरी सासू माँ को मेरी जरूरत है। नंदा जी ने प्यार से कनक का सर पुरस्कार दिया। उन्हें तसल्ली थी कि गलत सीख के बादल संट गए हैं। दोस्तों, कई बार हम किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, लेकिन हमें खुद ये फैसला करना चाहिए कि सामने वाला सचमुच हमारा भला चाहता भी है या नहीं। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। एक बार यदि शक की दीमक लग जाए तो उसे खोखला कर देती है।